नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीजीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं में ऊर्जा भरी। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की नई प्रेरणा दी थी। न केवल भारत बल्कि बाहर भी हमें देश की आजादी की लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, नेताजी ने उस समय इसकी गजब रणनीति तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि जब हम भारत के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हम नेताजी से जुड़े स्थल भी देखने को मिलते हैं। नेताजी भारत के शौर्य व पराक्रम के प्रतीक रहे हैं। नेताजी ने युवाओं का आह्वान करते हुए देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ बढ़ाने का कार्य किया। सीएम योगी ने ये बातें मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर कही। परिवर्तन चौक स्थित नेताजी के प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थिति में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। भारत की इस वर्तमान स्थिति को इस प्राकृतिक भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नेताजी को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। उस समय युवाओं का आह्वान करते हुए नेताजी ने जो आह्वान किया था, जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी। चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।